press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी लोकसभा आम चुनाव 2019 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, आम जन अपने वोट की ताकत को समझे और मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी सहभागिता निभाए। इसी उद्देश्य से निर्वाचन विभाग मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के जरिए अनेकों ऐसे आयोजन लगातार करता रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और कोई मतदाता छूटे नहीं। अलवर में जिला निर्वाचन विभाग द्वारा इसी कड़ी में लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी के तहत आज शनिवार को सुबह 6 बजे एक साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोकसभा आम चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है और आज अलवर में सुबह सुबह एक ऐसी ही झलक देखने को मिली, जहां रंगोलियां सजाई गई थी। हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद थे। मौका था जिला निर्वाचन विभाग अलवर द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित की गई साइकिल रैली का। इस मौके पर मौजूद अनेक लोगों ने कहा, पहले मतदान फिर जलपान। मतदान करना सर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपने जीवन में कोई भी और महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे हमारा खाना खाना। मैं मतदान खाना खाने से पहले मतदान करता हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो बड़ी खुशी है कि अलवर में किया जा रहा है, क्योंकि प्रकृति से बिल्कुल भरपूर शहर है और ऐसा प्रोग्राम यहाँ होना ही चाहिए था। और सभी मतदाताओं से मैं यही कहूँगा कि घर से बाहर निकले और मतदान अवश्य करें, पहले मतदान फिर जलपान। मतदान अवश्य करें, किसी को मत दें, बिल्कुल अपने मत से ना चूके। ये आपकी ताकत है, ये आपका अधिकार है, इसका प्रयोग करें। जय हिंद, जय भारत। कंपनी बाग से सुबह शुरू हुई इस रैली में करीब 500 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इसका नाम व्हीकल एथेन रखा गया था। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित चुनाव पर्यवेक्षक अमित चौधरी, रोशनलाल, एडीएम प्रथम रामचरण शर्मा व एडीएम द्वितीय भगवत देवल, यूआईटी सचिव कानाराम, जिला परिषद सीईओ विनय नगायच, आईटीओ एथलीट बिशन कालरा व स्वीप ब्रांड एम्बेसडर कोमल बांगा आदि मौजूद रहे। यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान करने की अपील करते हुए मतदान अवश्य करने की शपथ भी दिलाई। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। साइकिल रैली को जिला निर्वाचन अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व यहां कुछ साइकिलिस्ट ने अपने कर्तव्य दिखाए। यहां मौजूद 3 छोटे छोटे बच्चे साइकिलों पर सवार आकर्षण का केंद्र रहे। यूआईटी सचिव काना राम भी साइकिल चलाते हुए नजर आए। ये जो आपके सामने शैबी नरूपा और जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि मतदाता जागरूकता के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों में एक मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया था। आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। देखिए, 6 मई को जो हमारे यहाँ पे लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें ना केवल ज़्यादा से ज़्यादा वोटर टर्नआउट लेकिन इसके साथ साथ एथिकल वोटिंग, जिसपे कि भारत निर्वाचन आयोग का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, उसके लिए एक प्रयास है।
उसके साथ साथ स्वीप एक ऐसे तरीके से किया जाए जिससे ना केवल हर व्यक्ति हर पहलू लेकिन खास करके जो हमारे युवा हैं वो जुड़ पाए, क्योंकि स्वीप को किसी नए तरीके से करने का प्रयास, क्योंकि हर चीज़ जो लगातार एक लहजे से चलती है उसकी कहीं ना कहीं रुचि अपने आप कम होती जाती है। तो जैसे आपने मैराथन देखा, आज वीलेथन देखा, चाहे एम स्वीप की बात हो, सेल्फी आफ्टर वोटिंग की बात हो, ये सारे इस प्रकार के प्रयास हैं जिससे कि हम नए वोटर को, उस वोटर को जो कहीं ना कहीं कड़ी में पीछे रह रहा है, उसको साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि अलवर शहरवासियों की तरफ से, ज़िले वासियों की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट जिला प्रशासन को मिल रहा है। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि एक एम स्वीप ऐप भी बनाया गया है जिसके जरिए आम जन को मतदान प्रक्रिया से जागरूक करना है। इस ऐप में मॉक पोल की भी सुविधा दी गई है। इस ऐप में अब तक 1,00,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और 2,00,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, मोबाइल स्वीप एम स्वीप एक ऐसी ऐप है जिसको माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गत विधानसभा चुनावों में खुद लॉन्च किया गया था। आज हम तकरीबन 1,00,000 डाउनलोड्स मोबाइल स्वीप के पूरे ज़िले के अंदर, पूरे देश के अंदर कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक अचीवमेंट है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नए युग में किस प्रकार से डिजिटली वोटर को जोड़ा जा सके। अब वो समय जा चुका कि जब केवल प्रभात फेरियों के माध्यम से, किसी साइकिल रैली के माध्यम से ही वोटर को जोड़ा जा सके। आज का युग ये है कि हर किसी के पास एक डिजिटल एम्पावरमेंट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो चाहे इस प्रकार के इवेंट्स में पार्टिसिपेशन की बात हो, चाहे ईवीएम वीवीपैट के माध्यम से मॉक पोल करने की बात हो, हर प्रकार की जो आयोजन है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे, मोबाइल स्वीप पे आपको मिल सकता है। हमारा मानना है कि 6 मई चुनाव से पहले पहले हम लोग तकरीबन 2,00,000 डाउनलोड्स को क्रॉस करेंगे और उसी के साथ साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को रीच आउट करने का प्रयास करेंगे। आपको उसमें मॉक पोल का प्रोसेस दिखाई देगा और हमारे जितने भी इवेंट हैं वो दिखाई देंगे और आप उनके साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने भी अभी तक एम स्वीप को डाउनलोड नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे QR कोड को स्कैन करके, ये शॉर्टकट है, और अगर आप बहुत अच्छे IT में एक्सपर्ट हैं, आपको मालूम है कैसे ऐप डाउनलोड होती है, तो फिर आप इस QR कोड के चक्कर में ना भी पड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। प्ले स्टोर पर जाएँ, एम स्वीप लिखें, इस पे अपना अशोक स्तंभ का जो आइकन दिखाई देगा एम स्वीप के साथ, वो हमारा एम स्वीप का आइकन है। आप उस पर सेलेक्ट करेंगे और बाकी प्रोसेस वही होगा। आप अपना मोबाइल नंबर उस पर रजिस्टर्ड करें, जो जो वो आपसे पूछता है। आप अलवर अर्बन जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ अलवर के जितने भी हमारे उपखंड हैं, अपने जितने भी जिस किसी भी गाँव के आप रहने वाले हैं, आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आप वहीं पर जा करके रजिस्टर्ड हो जाएंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.